एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते कोबी को, जिसे सारे पायरेट चारों तरफ से घेरे होते हैं। और कोबी कहता ये लोग बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये चैन भी। और हम देखते वहाँ छत पे एक लड़की आ जाती है और इधर ये पायरेट गोली चला देते हैं। और हम देखते वो गोलियां फूल में बदल जाती है और उनके गन में से भी फूल निकलते हैं और वो सब शॉक हो जाते हैं। और उनमें से एक बोलता है, ऐसा तो डॉक्टर वेगापन ने बनाया था। और हम देखते वो छत पे की लड़की कोबी से कहती है, यहाँ आ जाओ कोबी सेंपाई। और हमें पता लगता ये भी शॉट की मेंबर है। और वो कहती मैंने फ्लावर गन शॉट की है, अब वो अपनी गन यूज नहीं कर सकते। और वो ब्लश करते हुए कहती, अगर तुम भूखे हो तो मैंने तुम्हारे लिए पेन तो लाई हूँ। फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहां हमें एक और शॉट का मेंबर दिखता है। वो कॉल पे कहता है, कोबी ठीक है, मेरे मट पपीट को हराना इतना आसान नहीं है। और वो कहता मैं वो पायरेट्स को बिजी रखूंगा, वो उस खुले इलाके में नहीं जा पाएंगे और वो यहां से भी नहीं जा पाएंगे। और फिर उनमें से एक पायरेट बोलता है, ये खुला इलाका ऐसा नहीं था। और हम देखते कि वो डिसिप्लिन ह्यूमन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। फिर हम शिप का सीन देखते हैं और तुशी की गार्फ से कहती है, मैंने प्रिंस से बात कर ली है, सब तैयार है। और फिर गार्फ चार्ज बोल के पानी की तरफ हल्का सा एक पंच मारता है और शिप हवा में उड़ जाती है। फिर हम कोबी को देखते हैं, उसे हिबारी बोलती है चलो। और कोबी कहता, आप मुझे बचाने आए हो है ना, शुक्रिया। और हिबारी और ब्लश करती है। और फिर वहाँ सब आसमान में देख रहे होते हैं, क्योंकि आसमान में शिप उड़ रही होती है और इनके तरफ आ रही होती है। और वो सब पायरेट बोलते, ये नहीं हो सकता, ये बुड्ढा अभी तक रिटायर नहीं हुआ, द लेजेंडरी हीरो। और गार्फ हंस रहा होता है, और भाई ये सीन देखने के लिए सब 20 साल से वेट कर रहे थे। और गार्क कहता है, कोबी मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। और वो पायरेट वहाँ से भागने को करते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग से घिरे हुए होते हैं। और फिर हमें यहाँ बहुत ही खतरनाक सीन दिखता है गार्क का, भाई मुझे तो घोसपम आ गए। और फिर गार्फ हवा में उड़ता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने किसे अगवा किया, कोबी नेवी का फ्यूचर है और साथ ही मेरा प्यारा स्टूडेंट। और फिर गार्फ एक पंच मारता है गैलेक्सी इंपैक्ट बोल के, और भाई उस पंच से पूरी सिटी तबाह हो जाती है। फिर गार्फ बहुत ही स्टाइल में नीचे आता है और फिर हम देखते वो शिप भी नीचे गिर रही होती है। और फिर प्रिंस शिप के नीचे किले डाल देता है और कोबी कहता है, उनके एक ही पंच से पूरा शहर तबाह हो गया। और फिर नेवी सोल्जर उन बचे हुए पायरेट पे निशाना तान देते हैं। और फिर गार्प इधर उधर देखता है और कहता है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस पन से, पूरा आइलैंड तबाह हो जाना चाहिए था। और वहाँ के पायरेट बोलते हैं, इतनी तबाही के बाद भी इसे और करना था। और फिर सामने से कोबी और हिबारी आ रहे होते हैं और हेलमेट को भी उनको देख के खुश हो रहा होता है। और फिर डिसिप्लिन ह्यूमन बोलती है, उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, गार्प बैड बॉय है। और प्रिंस बोलता है, गार्ड ने कोबी को नेवी का फ्यूचर बताया, गलत बात है। फिर हम देखते हैं कोबी और हिबारी शिप के तरफ आ रहे होते हैं और कोबी खुश हो रहा होता कि सब उसे बचाने आए हैं। और गार्ग कोबी से कहता, तुम उसे क्यों उठा के भाग रहे हो। फिर हिबारी बोलती, हमसे ये नहीं खुली। और तभी हिबारी पूरी बर्फ में जम जाती है और आकोजी वहाँ आ जाता है और कहता है, ये अकोफो तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया है। फिर कोबी कहता, हिबारी को ठीक कर दो प्लीज। फिर गार्ग कहता, इसका कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुनेगा। और फिर आकोजी कहता, मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता जबकि टीच यहाँ नहीं है। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखता है, नेवी हेडक्वार्टर में अगला एडमिरल ऑफ द फ्लीट बनने के लिए काफी बड़ी लड़ाई हुई आकोइनी और आकोजी के बीच। 10 दिन लगातार लड़ने के बाद जीत आकोइनी की होती है और आकाइनू ने दया की वजह से आकोजी को नहीं मारा और आकोजी ने आकाइनी के नीचे काम करने के लिए मना कर दिया और उसने नेवी छोड़ दी। फिर हमें एक आइलैंड का सीन दिखता है जहाँ ब्लैक बियर्ड के क्रू मेंबर बर्फ में जमे होते हैं। और फिर ब्लैक बियर्ड वहाँ आ जाता है और बोलता, ये किसने किया। और कहता, ये आकोजी ही कर सकता है। और वो रूम में जहाँ आकोजी होता है वहाँ जाता है और कहता, तूने मेरे क्रू मेंबर को बर्फ में जमा दिया, उन्हें ठीक कर।
और फिर वह अपने हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी आगोजी कहता है, अच्छा होगा कि तुम अपने ड्रीम फ्रूट का पावर का यूज ना करो, वो टूट कर मर जाएंगे। तुम उनके कैप्टन हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा। क्या तुम्हें लगता है ये मैंने शुरू किया? और तुम ये भी जानते हो कि मुझे क्या हुआ है ना? मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं गुस्सा हूँ, तो सोचो कि असल में गलती किसकी है।